हेलो गाइस, दिस इज़ स्वदेश सिंह एंड नाउ यू वाचिंग क्रिप्टो बिगनर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि FTX एक्सचेंज में फ्यूचर ट्रेड कैसे करते हैं। पर यहाँ बता दूँ, फ्यूचर ट्रेड सारे एक्सचेंजों में ऑलमोस्ट सेम ही होता है। कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो दूसरे एक्सचेंजों में नहीं होते हैं, तो उन्हीं के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि इसमें आप मिनिमम कितने से ट्रेड ले सकते हैं और इसकी फ़ीस क्या रहेगी और लिक्विडेशन प्राइस, लेवरेज और सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर जो आप तक अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे बता दूँ, FTX एक्सचेंज जो बाइनेंस से अगर जो कोई अल्टरनेटिव बेस्ट एक्सचेंज है इंटरनेशनल, तो वो FTX है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है गाइस। ये इसकी रेटिंग की बात करें, मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो गाइस ये काफ़ी अच्छा एक्सचेंज है। तो गाइस, इसमें आपको ट्रेड कैसे करना है, तो सिंपली गाइस ये आपका यहाँ पे इंटरफेस है। इसका इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस आपको मार्जिन ट्रेड, फ्यूचर ट्रेड करने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले यहाँ पे यूज़र के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यूज़र के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद, तो गाइस यहाँ पे वीडियो में बता दूँ, अगर जो आप बेसिक चीज़ें नहीं जानते हैं FTX एक्सचेंज के बारे में, तो आप FTX की मेरी और सी वीडियो देखिए, तब आप जाके ये वाला वीडियो देखिए, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले वो वीडियोज़ देखी जाके, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास दो अकाउंट हैं, तो सबसे पहले हम इसको फ्यूचर अकाउंट में लगा लेते हैं। फ्यूचर अकाउंट में लगाने के बाद यहाँ पे मैंने KYC अभी नहीं की है। ठीक है, यहाँ पे आप लेवरेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना लेवरेज लेना है। देखिए, यहाँ आप जो लेवरेज सेलेक्ट करते हैं वो लेवरेज आपके सारी कॉल्स यानी सारी ट्रेड, सारे पेयर्स पे एक्टिव रहेगा। अगर जो आप यहाँ से चेंज करते हैं तो वो सारी जितनी भी पेयर्स हैं सब पे लागू होता है। तो ये हमको एक सबसे अच्छी चीज़ लगती है FTX एक्सचेंज में, कि यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और ये हमेशा यही रहता है सारे उसमें। तो गाइस, इंस्टेंट कोई भी कॉल लेनी होती है तो ये सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है। तो इसको हम 3x कर लेते हैं। ठीक है, 3x कर लिया और यहाँ पे देख सकते हैं लेवरेज अपडेट हो चुका है। तो अब हम अपने होम पे क्लिक करते हैं और आपको हम एक फ्यूचर ट्रेड करके दिखाते हैं। तो फ्यूचर ट्रेड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है, आपको जिस कॉइन में फ्यूचर ट्रेड करना है उसका कॉइन का नाम सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ करता हूँ इथेरियम ETH, तो ETH यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये लिखना है यहाँ पे PERP, यानी जो PRP लिखा हुआ है इसी को आपको सिलेक्ट करना है। यही फ्यूचर ट्रेड का पेयर है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपका यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर जो ये लिखा हुआ है, मान के चलिए आप फ्यूचर ट्रेड के ऑप्शन पर हैं। और गाइस, जो सबसे हमें दूसरी चीज़ जो सबसे बेस्ट लगती है, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट रहता है। तो कई सारे जो नए यूजर्स होते हैं तो मार्केट ऑर्डर नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं, यानी आप लिमिट ऑर्डर पे यहाँ पे वो बाई करते हैं तो उनका ऑर्डर तुरंत मैच नहीं होता है, तो मार्केट ऑर्डर पे यहाँ पे तुरंत ये ऑर्डर मैच हो जाता है। तो अब हम इसमें करते हैं फ्यूचर ट्रेड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने वॉलेट पे देखते हैं मेरे पास कितना बैलेंस है। तो ये मेरे वॉलेट पे देख सकते हैं, यहाँ पे है 37 USD। ठीक है, यहाँ पे और गाइस बात करें तो यहाँ पे मेरे पास जो कॉइन है वो USDT है, इनसे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और जो हमें छोटी सी चीज़ जो अच्छी लगती है FTX में, ये पोर्टफोलियो ग्रोथ, यानी कितना पोर्टफोलियो आपके पास था वो शुरू से लेके पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखाता है कि आपने कितना ग्रोथ किया। तो अब हम ट्रेड पे क्लिक करते हैं। ट्रेड पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो लाइन है इसको आपको पूरा 100% फिल करना है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मार्केट ऑर्डर आपको यहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मार्केट ऑर्डर जो यानी प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे यहाँ पे बाई होगा। लेवरेज यहाँ पे देख सकते हैं 2.84, यानी ऑलमोस्ट 3x यहाँ पे सिलेक्टेड है जो मैंने पहले सेलेक्ट किया था। और गाइस हम बात करते हैं लेवरेज क्या होता है, तो यहाँ पे लेवरेज का यही रोल होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे $37 हैं तो वो उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा 3 से, यानी जो टोटल आएगा उतना मुझको मेरे में बैलेंस हो जाएगा, उसी बैलेंस से यहाँ पे ट्रेड होगा।
यानी अगर जो यहाँ पे ये समझ लीजिए, अगर जो मुझे 1% का यहाँ पे ये जो 4% लिखा हुआ है, अगर जो ये 1% भी गिरेगा तो मुझे 3% का नुकसान होगा। अगर जो 3% गिरेगा तो मुझे 9% का नुकसान होगा। तो इस तरह का इस यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड काम करता है। तो ये अगर जो यहाँ पे 5% का ये 5% इसका प्राइस गिरेगा तो मुझे × 3 यानी 15% यहाँ पे नुकसान होगा। तो इसी तरह से आप लेवरेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम बाई पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, आर यू श्योर वांट टू प्लेस मार्केट बाई फॉर इथेरियम पर 104 USDT। यहाँ पे देख सकते हैं 37 USDT था जो कि 104 हो गया है 3x लेवरेज करने के बाद। जैसे हम इस पर कन्फर्म करते हैं, कन्फर्म करने के बाद गाइस यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली ऑर्डर प्लेस हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा PNL आ चुका है। यानी अभी जो मुझे लॉस हुआ है वो यहाँ पे 0.02 का लॉस हुआ है। मैं 0.02 USD लॉस में चल रहा हूँ और मैंने जो 104 मेरे में मार्जिन है यानी 37 USD मेरे पास था ही, और बाकी का USD मैंने मार्जिन ले रखा है जो आपकी लेवरेज कह सकते हैं। और जो मैंने एंट्री ली है 3175 पे, और यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री ली है 176 पे, जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो 3179 चल रहा है। देख सकते हैं आज मुझे मैं प्लस में चलने लगा, ग्रीन यानी मैं बेनिफिट में चल रहा हूँ। ठीक है, एस्टिमेटेड लिक्विडेशन ये क्या होता है, यानी अगर जो ये इथेरियम का प्राइस अगर जो 2154 के आसपास आ गया तो यानी आपकी जो ट्रेड है ये पूरी क्लोज हो जाएगा। आपको जो पास जो 37 बैलेंस था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, यानी आपका बैलेंस हो जाएगा 0। तो गाइस ये थोड़ा रिस्की भी है, तो आपको इसकी बहुत ध्यान में इसको रहता ट्रेड करना है, सारी स्ट्रेटजी समझ के। ठीक है, प्रेडिक्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ सही है। और गाइस बात करें इसकी फ़ीस की, हम बात कर लेते हैं इसमें फ़ीस क्या लगती है और कितने डॉलर से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं बात करूँ FTX पे, यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर जो आपके पास $10 भी हैं तब भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और ये INR को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, और इसके हम फीस की बात कर लेते हैं। तो गाइस फीस की बात करें, देख सकते हैं यहाँ पे मेकर फीस है, यानी यहाँ पे 0.02% फीस है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, 0.2% मतलब अगर जो आपने यहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, 100 रुपये का कुछ भी ख़रीदारी की है, तो उसमें से जो चार्ज होगा, अगर जो आपने 100 रुपये ख़त्म किए हैं तो उसमें से चार्ज होगा 0.02%। ठीक है, यानी कुछ पैसे चार्ज होंगे। ठीक है, देख सकते हैं आपको 99 रुपये 98, यानी कुछ 2 पैसे चार्ज होंगे। अगर जो यहाँ पे मैं बात करूँ 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो -0.2%, तो यहाँ पे 2 रुपये चार्ज होंगे। तो गाइस देख सकते हैं बिल्कुल छोटी राशि देनी है यहाँ पे, इस तरह आपको यहाँ पे फ़ीस लगती है। तो गाइस अगर जो आप तक अभी ने आप ये अगर ये एक्सचेंज नहीं इंस्टॉल किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, अगर जो डिस्क्रिप्शन में आप मेरी लिंक से इंस्टॉल करते हैं तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा 5% का हमेशा के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं मुझे $0.05 का बेनिफिट हो चुका है। इसे मैं कर देता हूँ क्लोज़, और यहाँ पे मैं क्लोज़ कर दूँगा। जैसे ही यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ ये मेरा हो चुका है सेल। अब मैं हिस्ट्री पे अगर जो क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं PNL, तो मैं टूडे का PNL देख लेता हूँ मुझे कितना बेनिफिट हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं गाइज़ मुझे जो बेनिफिट हुआ है वो मुझे लॉस ही में हुआ है, क्योंकि जब मैंने ट्रेड की होगी तो प्राइस ऊपर नीचे हो गया होगा। तो गाइस ये देख सकते हैं कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो गाइस बताना वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।